यस टीवी पर आप सभी का स्वागत है और अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का जो कि आ रही है अंबाला से। आपको यह याद दिला दें कि पिछले महीने 11 अक्टूबर को भारी ओलावृष्टि हुई थी जिसके कारण किसानों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में जब यह ओलावृष्टि हुई थी तो सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि वो जल्द ही इस सारे के सारे नुकसान के बराबर का मुआवजा किसानों को देंगे, लेकिन अब तक भी इस पर कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई। ना तो किसानों के नुकसान का ब्योरा लिया गया और ना ही अब तक कोई मुआवजा देने की बात हुई है। ऐसे में किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही यदि उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे, उस समय वो या तो मरेंगे या फिर लोगों को मार डालेंगे। इतनी भारी चेतावनी देने के बाद भी क्या प्रशासन हरकत में आता है, क्या सरकार इनकी बात सुनती है? आइए देखते हैं इस मामले पर हमारी संवाददाता रोजी बहल की एक स्पेशल रिपोर्ट। हाँ जी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया हमें 10,000 रुपए आपका इंश्योरेंस का गिरदौरी का जो सरकार का मुआवजा देंगे, पर ये उन्होंने कह देंगे एसडीएम साहबन जब हमने जाम लगाया था किसानों इकट्ठे होकर, उन्होंने वादा किया था हमारा सुकरोह गाँव में हमने जाम लगाया था, सारे प्रिंट मीडिया सीआईटी साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी थे, किसान भी थे वहाँ काफ़ी 2-3 हज़ार, उन्होंने 25,000 रुपये वादा किया था। अब आर टीम से भी हम मिलना चाहते हैं, उनको मिलेंगे, आपने वादा किया था 25,000 रुपये एक महीना, अब तो महीने से ऊपर हो गया। हमें फसलें बोनी है, आरती पैसे नहीं देते, हम क्यों देंगे आरती, हमने उनका प्राणा नहीं चुका सके, कोई उसका जो हमने लिया था जमींदार ने कोई चुकाया नहीं है, हमें देते हमें फसलें बोनी है। बस 10,000 का वादा किया फिर तो हम पक्के बैठ जाएंगे, जैसे हिसार में बैठते हैं लोग रोत किए, हम तो ऐसे बैठेंगे, मरेंगे या मारेंगे और क्या, हम क्या भूखे तो हम मर रहे आप आएंगे चल के, हाँ तो भूखे मरे किसान पे नहीं मरे मारेंगे और क्या करेंगे हम, किसान पे रहिए हम तो क्या करेंगे। अब मेरे उसमें आते हैं हमारे गांव घर में आते हैं जी, गांव में भी पैसे दो, आरती भी मांगता है और बैंक वाले भी कहते हैं किस्त पर हो और ब्याज पर हो दो ना कुछ तो देना पड़ेगा जी हमको, फिर कैसे देंगे हम, जब हम यहाँ अपना नहीं मिलेगा तो सड़क के ऊपर गड्ढेंगे चंडा और क्या जिम्मेदार का ना। आपने देखा कि किस तरह से किसानों की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही है, कहीं फसल के घटते दामों की मार है तो कहीं मौसम का प्रकोप, हर तरफ से किसान इस समय घाटे में है। ऐसे में सरकार क्या उनकी बात सुनती है, क्या इस पर जल्द ही एक्शन होता है, क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। इस मामले पर समय समय पर अधिक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अधिक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।